नमस्ते बच्चों, आज हम हाजिर हैं और एक नई कहानी के साथ आप सबके सामने। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है सच्चे मित्र। बच्चों, एक जंगल था, उसमें एक तालाब के किनारे कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ, ये चार मित्र रहते थे। एक दिन हिरन घूमते घूमते शिकारी के जाल में फंस गया। कौवा, चूहा और कछुआ कहीं दूर चले गए थे। उसने मित्रों को आवाज दी, पर वहां कोई भी नहीं था। कुछ समय के बाद कौवा आया। उसने हिरन को जाल में फंसा हुआ देखा तो वो बहुत ही दुखी हुआ। उसने हिरन से कहा, मित्र चिंता ना करो, मैं अभी तुम्हें जाल से मुक्त कराता हूँ। वह उड़ता हुआ चूहे के पास पहुंचा और बोला, चूहा भाई जल्दी चलो, अपना मित्र हिरन शिकारी के जाल में फंस गया है। जाल काट कर उसे तुम्हें मुक्त करा सकते हो। ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ तो हम जल्दी से पहुंच जाएंगे। कछुए ने कहा, कौवा ठीक कहता है, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं भी बाद में आता हूँ तुम्हारे पीछे पीछे। कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बिठा कर लेकर आया। चूहे ने धीरे धीरे जाल जो है वो काट डाला। कौवे ने दूर से शिकारी को आते हुए देखा। उसने हिरन को सावधान किया। हिरन जाल से निकलकर भागा और चूहा पास की झाड़ी में छिप गया। तब तक कछुआ वहां पहुंच चुका था। शिकारी के पास थैली थी तो हिरन को न पाकर गुस्से में उसने कछुए को पकड़कर थैली में ले जाना चाहा, लेकिन तब तक कछुआ तालाब में सिरक गया था। शिकारी जो था वो हाथ मलता रह गया। इस तरह कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ चारों ने मित्रता निभाई। तो बच्चों, कैसे लगी आपको आज की कहानी? फिर मिलेंगे और एक नई कहानी के साथ दोबारा। तब तक के लिए अलविदा।